एक संघर्ष था जो पिछली शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ था और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण चरण वो था 1940 के इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद जो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो की जो प्रस्तावना हुई उसके साथ आरंभ हुआ था। वो एक प्रकार से संकेत बन गया था पूरे देश की भावना का कि एक विदेशी हुकूमत इस देश को छोड़े और हमारे स्वयं के हाथों में देश का प्रशासन आए। आज का वो दिन था 75 साल पहले जिस दिन गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन के बड़ी पैमाने में नेता ऐसे थे जिनको पकड़ा गया, जेलों में वर्षों तक रखा गया और ये एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम संघर्ष था, कई वर्षों तक चला। और बाहर भी कई ऐसे लोग थे जो अन्य अन्य तरीकों से अपने आप में संघर्ष कर रहे थे। दूसरा महायुद्ध चल रहा था, देश की एक भावना गांधी जी के नेतृत्व में उस आंदोलन के साथ थी। INA के लोग अपने प्रकार से बगावत कर रहे थे और उस परिस्थिति में जो विदेशी हुकूमत कमजोर होती गई और अंत में 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के भी 75वां वर्षगांठ मनाई जाएगी और इसलिए आवश्यक है कि हम कुछ पीछे मुड़कर भी देख लें और आगे का रास्ता क्या है इस देश के लिए उसको भी हम लोग तय कर लें। इस 75 साल की अवधि काल में हमने देखा कि विश्व में कई ऐसे देश थे जहां विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संकट आए, चुनौतियां हमारे देश के सामने भी आई, लेकिन आज गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि हर चुनौती के साथ ये देश और मजबूत होता गया और जितने भी संघर्ष हम लोगों के सामने आए, कठिनाइयां भी आई, उससे सबक भी हम लोगों ने सीखे, लेकिन देश एक रहा और देश मजबूत होता रहा। आरंभिक संकट आया जब हमारे पड़ोसी की नजर कश्मीर के ऊपर थी और आज भी हम भूल नहीं सकते कि देश का एक टुकड़ा अलग हुआ, उसको वापस कैसे मिले ये आज हर भारतीय की एक इच्छा है। 1962 की लड़ाई में एक सबक हम लोगों ने सीखा कि देश की फौज, उसको अपने प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा क्योंकि आज भी दो प्रकार की चुनौतियां पड़ोसियों से देश के सामने हैं और तैयार होने का उसका असर यह था कि 62 की तुलना में 65 और 65 की तुलना में 71 इस देश का जो अनुभव रहा एक के बाद एक हम अपनी सेनाओं को भी मजबूत करते रहे। मैं मानता हूं कि कुछ चुनौतियां आज भी हैं और इसलिए जो देश की सॉवरेनिटी है, एकता है, उसके ऊपर कई लोगों की नजर टिकी रहती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के जो वीर बहादुर जवान हैं इस देश को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता उनमें है और चाहे पश्चिमी सीमा पे वो चुनौती हो या पूर्वी सीमा पे चुनौती हो, वो किसी भी कुर्बानी देकर इसको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उसकी तुलना में
आज देश को जिस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है वो आतंक के रूप में है। ये याद रहे कि विश्व में हम एक ऐसा देश हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर जब आतंकवाद हुआ तो उस आतंकवाद से इस देश ने मुक्ति प्राप्त की, हमारी कुर्बानी भी हुई। हमारे दो, एक प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री, आतंक के सामने उनको अपनी जीवन गंवाना पड़ा। लेकिन चाहे पंजाब की परिस्थिति थी या दक्षिण में जो एक आतंक आया, ये दो ऐसे उदाहरण से जहां से हम लोगों ने आतंक से अपने आप को मुक्त करने में सफलता भी प्राप्त की। लेकिन आज भी दो चुनौतियां विशेष रूप से उस दृष्टि से हैं। एक अगर मैं कहूं तो देश के भीतर कई हिस्सों में जिसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, जिन लोगों का देश के संविधान में विश्वास नहीं है और हिंसा के माध्यम से चुने हुए शासन को बदलना और सत्ता हथियाना और उसके नाम पर देश के ऊपर आक्रमण करते रहना, व्यवस्थाओं के ऊपर आक्रमण करते रहना उनका प्रयास रहता है। दूसरी परिस्थिति यह है कि कुछ सीमा पार से और कुछ देश के भीतर से, देश के भीतर से कुछ लोग गुमराह होकर शस्त्र उठा लेते हैं और देश के उत्तरी हिस्सों में विशेष रूप से आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं। इस परिस्थिति में देश की व्यवस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए और इस आतंक के साथ कैसे लड़ना है, ये देश एक आवाज में एक नीति के साथ उसकी ओर देखे, ये आज आवश्यक है। और इसके लिए बहुत आवश्यक ये भी है कि देश के अंदर जो बहस है उस बहस को, उस चर्चा को इस आतंक से के खिलाफ कैसे हम एक होकर बोल पाए। हाल के दिनों में मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे केंद्रीय पुलिस हो, चाहे वहां राज्य की पुलिस हो जम्मू कश्मीर में, उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है आतंकियों के साथ लड़ने का। लेकिन फिर भी कई घटनाएं उस प्रकार की होती हैं और इसलिए आज 75 वर्ष बाद जब हम देश की एकता को इस प्रकार का खतरा देखते हैं तो ये भी आवश्यक है कि ये सदन और सारा देश एक आवाज में उठकर एक सोच के साथ इसके साथ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि पिछले 75 वर्षों में और विशेष रूप से आजादी के बाद 70 वर्षों में एक बड़ा योगदान इस देश का रहा है कि हमने हर बीते हुए दिन के साथ देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयास किया है। दुनिया ने, और एक परिस्थिति तो 50 और 60 के दशक में ये थी कि विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो एक के बाद एक लोकतंत्र अपने हाथों से खोता जा रहा था। कहीं सेनाओं का शासन था, कहीं तानाशाह आ रहे थे, कहीं किसी प्रकार की वैचारिक तानाशाही थी। और हिंदुस्तान जैसा देश, एक जो एक गरीब देश था, जहां लोगों के असंतुष्ट होने के, गरीबी की वजह से कई कारण थे, हो सकते थे, ये माना जाता था कि यहां लोकतंत्र कैसे सफल होगा। कुछ चुनौतियां लोकतंत्र को आई, 70 के दशक में आई, लेकिन हर बीते दिन के साथ लोकतंत्र में किस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है, इस प्रयास में हम आगे बढ़ते गए। आज हमारी चुनावी प्रक्रिया, हमारी न्यायिक प्रक्रिया, हमारी मल्टीपार्टी डेमोक्रेसी, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें बहुत बड़ी क्षमता है कि किस प्रकार से
देश के अंदर अलग अलग विचार रखने वाले लोग, उनको देश की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम लोग शामिल कर लें। आज भी कई ऐसी दिशाएं हैं जिसमें इस लोकतंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अब राजनीति सबसे अधिक नीति निर्माण को प्रभावित करती है, पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करती है, और इसलिए उस क्षेत्र में देश में और किस प्रकार के बेहतर और टैलेंटेड लोग आ सकते हैं, सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार से धन की व्यवस्था, उसका प्रभाव हम लोग कम कर सकते हैं, और किस प्रकार से लोकतांत्रिक संस्थाएं, और इसमें मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा कि न्यायिक संस्था और संसदीय संस्था अपने अपने क्षेत्रों में, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, अपना अपना कार्य अलग से करती रहे बिना एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हुए। अब इसकी कोई परिभाषा कोई दे नहीं सकता, इसलिए एक स्टेट्समैनशिप के माध्यम से, एक दूरदृष्टि के माध्यम से दोनों संस्थाएं अपने आप का अपना संचालन इस प्रकार से करें कि जो लक्ष्मण रेखा दोनों के बीच में है वो बनी रहे और बरकरार रहे, जो कई बार धूमिल होती हुई हमें नजर आती है। एक बड़ी चुनौती अध्यक्ष जी इस देश में गरीबी के साथ आज जूझने की आज भी है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जब संग्राम जब राज्य अपने हाथ में आया तो उस वक्त की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति में एक रास्ता हम लोगों ने अपनाया था। 1991 के बाद हमने रास्ता बदलने की भी कोशिश की है। बदले हुए रास्ते में जो प्रगति हुई है देश की, उसकी गति कुछ तेज रही है, और वो तेज गति जो आई है उससे स्वाभाविक है देश को लाभ हुआ है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एक सिनिकल निराशात्मक विचार रख ले, व्यवस्था की आलोचना करने की प्रयास करे, लेकिन उस बदली हुई व्यवस्था में से सरकारें कोई भी रही हो, 1991 के बाद प्रगति की दर बढ़ी है। अगर हम 91 से आज तक देखें तो हमारी औसतन दर काफी आगे बढ़ी है, उससे गरीबी भी कम हुई है, जनजीवन का स्तर भी सुधरा है, लेकिन अभी भी बहुत लंबी यात्रा हम लोगों को करनी है। आज भी एक वर्ग ऐसा है जो गरीबी की रेखा के नीचे है। आज भी हम लोगों देश में जो ट्राइबल्स हैं, जनजातीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनका जीवन स्तर उसको लेकर बहुत बड़े प्रश्न हैं, और आज भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि देश का साधन बढ़े जिससे इस गरीबी से, और इन क्षेत्रों में जहां विकास नहीं हो रहा उन क्षेत्रों में हम लोग और साधन डाल पाए। देश की सुरक्षा के लिए और साधन डालने की जरूरत है, देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साधन डालने की जरूरत है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, देश के ग्रामीण क्षेत्र का जीवन स्तर सुधरे उसके लिए साधन डालने की जरूरत है, और स्वाभाविक है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है उसको विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना पाए, इसके लिए भी अपने आप में बहुत साधन डालने की, देश को आज भी रास्ता तय करने की जरूरत है। एक बड़ा प्रश्न हमारे देश में खड़ा होता है वो सार्वजनिक जीवन की विश्वसनीयता को लेकर। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगर हम देखें तो उस वक्त के सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा एसेट जो था वो उन नेताओं की क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी, उनकी एक आवाज पे पूरा देश खड़ा हो जाता था। आज देश की राजनीति को कई बार देखकर बहुत प्रश्न आते हैं, और वो जितनी भी सार्वजनिक डिबेट होती है उसमें एक आध घटना को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सार्वजनिक जीवन को, राजनीति को, उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह आते हैं, और उसमें एक स्वाभाविक कारण यह आता है कि कई बार भ्रष्टाचार का विषय उठाकर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं, और इसलिए आज उस महान दिन की 75वीं सालगिरह पे क्या हम सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ये भी प्रण कर लें कि सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में
सरकारी व्यवस्थाओं में जहां ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, टैक्सेशन सिस्टम्स, विभाग जो हैं देश भर में, केंद्र में, राज्यों में म्युनिसिपैलिटीज हैं, पुलिस व्यवस्था है, जिसके साथ आम आदमी का इतना संबंध बढ़ता है, आम आदमी के सामने इन संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़े और उसको लेकर एक भय और डर का कल्पना उनके मन में ना रहे कि इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी कम है। और इसलिए आज के दिन हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि किस प्रकार से इस पब्लिक लाइफ और गवर्नेंस की हम लोग जिम्मेवारी बना पाए, इसके लिए भी अपने आप में आवश्यक है। अध्यक्ष जी, एक विशेष विषय जिसको मैं लेना चाहूंगा, ये देश विभिन्न है। इस देश में अलग भाषाएं, अलग धर्म, अलग जातियां, अलग क्षेत्र। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो चुनौती ये लगती थी कि किस प्रकार से देश की एकता बनी रहेगी, बनी रहेगी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो चुनौती पीछे चली गई, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब विश्वास आ गया कि ये देश एक रहेगा। लेकिन क्षेत्रीय एस्पिरेशंस और ये रीजनल एस्पिरेशंस आज फेडरलिज्म के रूप में, संघीय ढांचे के रूप में भी प्रकट होती है। इसलिए कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल सरकार में है, शासन में है और शासन व्यवस्था का अंग है, और इसलिए उनकी विशेष भावनाएं जो गवर्नेंस के अंदर आती हैं उसको लेकर भी एक इच्छा लोगों के मन में है। उसी प्रकार से अलग अलग धर्म, मजहब, अलग अलग जातियां, समाज, ये सब इस देश का अटूट अंग है, और इसलिए ये बड़ा आवश्यक हो गया है कि आज के दिन किस प्रकार से इस देश के अंदर एक सद्भावना बनी रहे। स्वाभाविक था कि जो पार्टीशन, इस देश का बंटवारा हुआ, उसके घाव थे, और एक समय था कि इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग फसाद भी देखते थे, राइट्स भी देखते थे। लेकिन आज की तारीख में जागरूकता भी बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है। आज सौभाग्य से उस बीमारी से हम लोगों को काफी हद तक छुटकारा मिला, लेकिन आज भी ये सभी समाज आपस में देश की को मन में रखते हुए प्रगति कैसे करनी है, और एक आधुनिक समाज अगर विश्व के अंदर हमने बनाना है। एक तरफ हम कल्पना करते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था बने, तो इसलिए देश के अंदर शांति, सद्भावना और मेलजोल का भी हमारा माहौल बना रहे, जिसके साथ साथ एक समाज ऐसा जिसके अंदर एक कंपैशन की भावना भी रहे। और मैं विशेष रूप से, कई ऐसे अनुभव आए हैं जिसमें एक दूसरे के प्रति राजनीतिक हिंसा की घटना अगर किसी प्रांत में होती है, आतंकवाद की वजह से होती है, या किसी धार्मिक भावना का उल्लंघन कर दिया तो उसको लेकर हिंसा की घटना होती है, तो हम ये समझ लें कि आजादी के 70 साल बाद एक देश जो पूरे विश्व के अंदर बहुत आगे बढ़ने की कल्पना रखता है, ऐसी घटनाओं का उस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इन घटनाओं से भी इस देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आज का ये दिन इतिहास का एक प्रतिनिधि है, और इसलिए हम सब इस देश को मजबूत, न्यायसंगत और एक प्रगतिशील आर्थिक दृष्टि से बनाएं, इसके लिए आज प्रण लेने का एक समय है। मैं आपका, माननीय सभापति जी का और सभी सदस्यों का आभारी हूं कि सबने आज सहमति व्यक्त की कि इस दिन हम प्रस्तावना करें कि देश को इस दिशा के अंदर लेकर जाएं। मैं स्वयं को भी इस भावना के साथ पूर्ण रूप से जोड़ता हूं। थैंक यू।